मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले का पाकिस्तान कनेक्शन जुड़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बताया कि 25 अप्रैल को उनके सरकारी फोन पर पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पिछले 24-25 तारीख को एक मेरा जो पीए है, सरकारी पीए साथ में चलता था, आचार संहिता की वजह से वो घर पे रहता है। उस नंबर पे फ़ोन आया, एक दो तीन चार ऐसा लोग बताते हैं पाकिस्तान का नंबर है। धमकी मिलने के बाद नंदगोपाल नंदी ने गृह सचिव को सूचना देकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को शिकायत की और लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो जो आया, हमने बात करके प्रमुख सचिव गृह से और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत करती है, उनको दे दिया एप्लीकेशन, उसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नंदगोपाल नंदी को पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, उसकी भी जांच अभी प्रयागराज पुलिस कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मंत्री नंदगोपाल नंदी का जानी दुश्मन कौन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी ने आज मेरठ के मैदान से हुंकार भरी। मेरठ मंडल के 4 जिलों में जनसभा के दौरान सपा रेलडी पर गुंडों और दंगों को लेकर जोरदार हमला बोला। निकाय चुनाव के दूसरे संग्राम में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। सीएम योगी ने आज पश्चिम के मैदान में हुंकार भरी। ये अराजकतावादी गठबंधन भी है और अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है, इन लोगों को परेशानी हो रही है। जनसभा के दौरान सीएम ने परिवारवाद और तमंचावाद के हथियार से कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है, परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। सीएम योगी ने पश्चिम के मैदान से कहा कि दंगों और कर्फ्यू को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश अब विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं, कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। 2017 में मेरठ के हार के बाद ही भाजपा ने इस बार बड़ी जीत का संकल्प लिया है, क्योंकि भाजपा जानती है कि 2023 के निकाय चुनाव करण 2024 में उसकी जीत की राह आसान करेगा। एक और सीएम योगी ने पश्चिम में हुंकार भरी। दूसरी तरफ भाजपा के विरोधियों ने पश्चिम के खेमे में बड़ी सेंधमारी की। मायावती के करीबी रहे गोविंद भाटी समेत बसपा सपा और एलडी के कई नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने सेंधमारी से फिर सपा एलडी और बसपा के पश्चिम के गढ़ में बड़ा झटका दिया है। बसपा के मेरठ कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी ने भाजपा का दामन थाम लिया। सपा के मुकेश राज भटनागर और आरएलडी से कुसुम चाव और धीरज सिंह भी भाजपा में शामिल हुए, जिन्हें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बसपा में जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, मैंने जो बीजेपी की आचार विचार जो उनकी धारा है वो मैंने देखी, बहुत अच्छी है। पश्चिम में विरोधी दलों में भाजपा की सेंधमारी में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की अहम भूमिका रही है। देखिए, सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और उन्हें जहाँ लग रहा है कि जहाँ मान सम्मान है, जहाँ योगी जी की और मोदी जी की योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, तो वो स्वतः ही आ रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दूसरे दलों का भाजपा में आना निकाय चुनाव में हमारी बड़ी जीत सुनिश्चित करने वाली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीतियों में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। निकाय संग्राम के दौरान भाजपा की लगातार हो रही सेंधमारी से विपक्ष कैसे पार पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और भाजपा ने सेंधमारी की तो दूसरी ओर इटावा में सपा ने भाजपा को बड़ा झटका दिया, जहां भाजपा में शामिल शिवपाल यादव के करीबी सुनील यादव की फिर से घर वापसी हुई, जिसके बाद दोनों पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई। अपने गढ़ इटावा में सपा ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। इटावा मैनपुरी उपचुनाव में सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए शिवपाल यादव के खास और पूर्व प्रसपा शहर अध्यक्ष सुनील यादव की फिर घर वापसी हुई। शिवपाल यादव की मौजूदगी में सुनील यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। कि हम बहुत अपने नेता को बड़ा हृदय का मानते हैं, उन्होंने हम सबको बड़ा स्वीकार किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने राज्यसभा सांसद गीता शाके को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कहा, जब से भाजपा में गई है झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, पता नहीं भाजपा में कौन सी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज अगर तुलना की जाए तो सबसे बेस्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी और झूठ बोलने वाले लोग अभी तक उन्होंने अभी तक 6 साल के अंदर कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।
शिवपाल के हमले पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि दूसरों का आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखना चाहिए। पहले जो शिवपाल जी बोलते थे अखिलेश जी के बारे में, वो उन्होंने कहां से सीखा था, और अब पक्ष में बोलने लगे वो उन्होंने कहां से सीखा था। एक ओर सुनील यादव की घर वापसी से सपा अपने गढ़ में मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा भाजपा की जुबानी जंग से निकाय के संग्राम और दिलचस्प होता जा रहा है। अमरोहा वन विभाग द्वारा पकड़े गए तेंदुए के उपचार के दौरान मौत, ग्रामीणों से गिरता देख तेंदुआ भागते समय दीवार से टकरा गया था, अमरोहा वन विभाग परिसर का मामला। लखनऊ में ऐशबाग पुल पर मिला संदिग्ध बैग, बम स्क्वाड की टीम ने जांच के बाद खोला बैग, बैग से निकले जरूरी कागजात, बाजार खाला क्षेत्र में ऐशबाग पुल का मामला। रामनगर में रोडवेज बस पिकअप से टकराई, बस पलटने से ड्राइवर की मौके पर मौत, 8 लोग घायल, घायलों का कराया गया अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक नदी में कूदा, पुलिस ने किया रेस्क्यू, सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का मामला। हरदोई में बेकाबू ट्रक से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत, ट्रक ने बाइक को ई रिक्शा को रौंदा, आरोपी चालक फरार, पुलिस ने मृतकों के शवों को ट्रक के नीचे से निकलवाया। अमरोहा में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 4 बच्चों की मौत, लापरवाही के चलते हुआ हादसा, ईंट भट्टे पर जेसीबी से कराए गए थे गड्ढे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में हिस्ट्री सीटर अपराधी पर 7 क्रिमिनल एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपियों का समर्थकों के साथ लाठी डंडे ले जाते वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। भारी सुरक्षा के बीच घर पहुंचा गैंगस्टर अनिल दुजाना का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। श्रावस्ती में पति और ससुर ने मिलकर धारदार हथियार से काटी महिला की नाक, महिला की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में रेफर किया गया, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच से जुटी। बरेली में बदमाशों के हुए हौसले बुलंद, रिटायर्ड बैंक कर्मी के परिवार को बंधक बनाकर लूटा, बदमाश लाखों के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। अमरोहा में कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया अवैध कब्जा, माफिया को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पीटा, कब्रिस्तान की जमीन पर कर रहे थे प्लॉटिंग। पीटा के अवागढ़ नगर पंचायत में भाजपा की बड़ी मुश्किल, भाजपा ने महेश पाल सिंह को दिया टिकट, मुन्नालाल गुप्ता ने भी भाजपा से मांगा था टिकट, कहा जनता के आग्रह पर लड़ूंगा चुनाव। मिर्जापुर में प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव को नहीं मिला टिकट, भाजपा से बागी होकर निर्दल के रूप में लड़ रहे चुनाव। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए नगर निकाय में वोट मांगने आए प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिवक्ताओं के बीच पहुंचकर रखी बात, इस दौरान घंटों बिजली रही गुल, मंत्री ने लोगों से कहा घरों से वोट करने जरूर जाएं। बागपत के बड़ौत नगर पंचायत अध्यक्ष को पिछले वर्ग में घोषित होने पर सवर्ण जातियों में आक्रोश, ब्राह्मण और जैन समाज की 30,000 मतदाताओं के रूप से तय होगी प्रत्याशियों की जीत। वाराणसी नगर निगम में निर्वाचन कर्मियों का अजब खेल, वोटर लिस्ट में एक आदमी के दिखाए 48 बच्चे, शहर में चर्चा का विषय बनी वोटर लिस्ट। बीजेपी के बागी नेता अवनीश कौशिक के समर्थन में भाजपा उम्मीदवार के घेराव कर महिला प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, बारी हटाओ पीलीभीत बचाओ के लगे नारे। हमीरपुर में चुनाव अलर्ट मोड पर पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, हर आने वाले वाहनों की हो रही तलाशी, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने सभी मतपेटियों स्ट्रांग रूम में रखकर सील किया, प्रशासन ने स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संभल के 130 लोगों को फर्जी वोटर कार्ड के साथ किया गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई की। हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले आज तमंसे से नहीं त्योहारों से यूपी की पहचान। गाजियाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, योगी के गेटअप में दिखने वाले जगदीश रावदी पहुंचे, कहा सरकार विकास के पथ पर काम कर रही। कासगंज के सोरो नगर पालिका परिषद में भाजपा का प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, भाजपा को जिताने के लिए रिकॉर्ड मतदान की अपील। बधाई पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने किए समीक्षा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर दिया जीत का मंत्र, कहा इस बार बदायूं में अधिक से अधिक सीटें जीतेगी भाजपा। कानपुर देहात के रनिया में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा कश्मीर की जिन बर्फीली वादियों में राहुल और प्रियंका ब्रह्म से खेल कराए हैं वहां गोलियां नहीं चलती, फूल बरसते। औरैया पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने फोन पर मिली धमकी को लेकर दिया बयान, कहा मेरे पीएसओ को 25 अप्रैल को पाकिस्तान के फोन नंबर से कॉल आया, कहा गृह सचिव को दी थी सूचना, अधिकारी जांच कर रहे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद गोरखपुर से सपा के मेयर प्रत्याशी काजल निषाद रिलैक्स होकर कर रही पेंटिंग, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई, कहा सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पहुंचकर पहरा दे रहे। शिवपाल यादव के बयान पर भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने किया पलटवार, कहा दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद आईना देखना चाहिए, शिवपाल यादव ने कहा था बीजेपी में दी जाती है झूठ बोलने की ट्रेनिंग। इटावा निकाय चुनाव के नजदीक आने पर सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, बसपा और सपा में कड़ी टक्कर, मुस्लिम वोटर्स के साथ में जुड़े प्रत्याशी। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा के सहित मारी प्लान जारी, लखनऊ में कई दलों के नेताओं को थामा पार्टी का दामन। निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा निकाय चुनाव में हम अधिकतर सीटें जीतेंगे, नगरों के विकास के लिए चुनाव जरूरी। पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में था गुंडों का राज। बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा पहले चरण में जनता ने भाजपा का कमल खिलाने का काम किया, कहा जनता अभी तक सपा सरकार की अराजकता गुंडागर्दी भूली नहीं। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार, कहा डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही काम, योगी सरकार में अपराध मुक्त हो रहा है प्रदेश। सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए शिवपाल यादव के करीबी सुनील यादव के घर वापसी, शिवपाल यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी।
सपा महासचिव शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला, पता नहीं भाजपा में कौन झूठ की ट्रेनिंग दे रहा, भाजपा में सिर्फ नफरत ही नफरत। पहली बार यूपी की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, लखनऊ में सीएम योगी ने किया टी शर्ट लोगो शुभंकर और थीम लॉन्च। निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया दावा, जनता चाहती है बदलाव, पहले चरण के चुनाव में लगाए धांधली का आरोप। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में बजरंगबली के नारे पर किया हमला, कहा राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले बजरंगबली के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील की, ब्रजभूषण शरण के मामले में उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा, सारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। वाराणसी में स्कूल बस की लापरवाही का वीडियो वायरल, टूटी बस और खराब स्टेयरिंग के साथ बच्चों को बस बिठाया गया, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में आज रिलीज हुई द केरला स्टोरी फिल्म, देखने के बाद लोगों ने लगाए जय श्रीराम के नारे, कहा योगी सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री करे। फरुखाबाद जिला के काऊ कोर्ट बनाने वाले जेल अधीक्षक को राज्यपाल ने किया सम्मानित, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में भीमसेन मुकुंद लगातार जेल सुधार का काम की तारीफ। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एसओजी टीम ने 22 लाख की फेक करेंसी के साथ दो आरोपियों किया गिरफ्तार, बिजनौर जिले में नकली करेंसी को सप्लाई करने के आए थे आरोप। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही से लेकर कांग्रेस नेता शांति प्रसाद भट्ट ने सरकार को घेरा, टिहरी वासियों के लिए बताया दुर्भाग्यपूर्ण। देहरादून में पुलिस ने अतीक अहमद को किया गिरफ्तार, अतीक की संपत्तियां तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, अतीक पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। 12 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, यात्रियों ने ली राहत के साथ, हेलंग के पास चट्टान टूटने से हुआ था बंद। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग में भेजे गए 4,100 तीर्थयात्री, भैरव और कुबेर ग्लेशियर में सावधानी से निकाले जा रहे यात्री, दोनों ग्लेशियर में सीढ़ी का रास्ता तैयार किया गया। कर्णप्रयाग में हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच बन रहे निर्माणाधीन पुल से हाईवे हुआ बदहाल, सड़क पर डामर न होने से उड़ रही धूल। सेवा विस्तार की मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के उपनल कर्मियों को कांग्रेस पार्टी ने दिया अपना समर्थन, का सेवा अवधि नहीं बढ़ी तो वह भी कर्मचारियों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। उत्तरकाशी में मौसम की मार ने काश्तकारों को खड़ी की फसलों पर अंधी और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। नैनीताल में बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर बौद्ध मठ सुख निवास में धर्मगुरुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई, तिब्बती और भूटिया समुदाय के लोग इस पर्व को उल्लास उमंग के साथ मनाते। कैलाश यात्रा के लिए पहला दल पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए रवाना हुआ, रीना जोशी जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया, पहली यात्रा में 19 यात्री शामिल। हल्द्वानी भाजपा सरकार की बुद्ध शुद्धि को लेकर कांग्रेस ने गोलू देवता के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, भाजपा सरकार की तमाम खामियों को लेकर जय श्रीराम जय हनुमान के नारे लगाए। प्रतापगढ़ में सभा के जिलाध्यक्ष को मतदान के दौरान प्रचार करने पर कुंडा टाउन एरिया में किया गया गिरफ्तार, देर रात मजिस्ट्रेट सामने पेश कर जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धावी अल्मोड़ा के डोल कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्य में पहुंचे, वहां उन्होंने मंत्री विवाद पर जांच की बात कही। पौड़ी को पैटर्न मानचित्र पर लाने के लिए चार धाम को जोड़ने की तैयारी, जिससे धार्मिक पैटर्न को भी पैटर्न मानचित्र पर लाने की संभावना। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, का जिसको पार्टी कहेगी वही लड़ेगा लोकसभा चुनाव। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर हरकी पैड़ी पर पहुंचे श्रद्धालु, माँ गंगा की पूजा अर्चना कर गंगा स्नान किया। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का मनाया जाता है अवतरण दिवस। कर्णप्रयाग के वाड़ गांव में स्थित लाटू धाम के कपाट बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खोले गए, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लाटू देवता की पूजा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान सहित 4 जवान हुए घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी के कंडी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव के बाद कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को खारिज किया। एससीओ बैठक में पाकिस्तान को घेरने का भारत का प्लान, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा, आतंक की फंडिंग पर लगे लगाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।